शांति। आज की तारीख है 14 जुलाई 2020। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी है, किसी में मोह जरा भी न हो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो हैं आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं, मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, ना हमारी सजावट है, ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है? आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो दो नेत्र हैं, तीन तो हो ना सके, तीसरे
नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं, कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आँखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी, बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी, मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर बर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सोदेवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैम्पलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीजरी की कथा भी है, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं, वहां थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नूंद है।
फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु, अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत स्याना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो, हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलब कावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते, हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जीन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो, राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं।
कोई तकलीफ की बात नहीं, विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबर वार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे फिर क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं, बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर स्मृति में आता है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी हैं, ज्ञान का सागर हैं। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं, परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। नंबर 2, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है। वरदान क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्कर में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योगयुक्त जीवन मुक्त
चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।